चलेगी जी। फर्स्ट लाइन दोबारा शुरू कर लें। अल्टर लिमिटेड प्रोड्यूसर एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द एएल्स रिकॉर्ड्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2013। एक सेकंड, रिक्वायरमेंट देखिए नीचे डॉक्टर। अज्यूमिंग देयर वाज नो ओपनिंग इन्वेंटरी, देयर वाज नो इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ फेब्रुअरी, कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी फॉर द मंथ ऑफ 2013, यूनिट्स या क्वांटिटी? एक ही बात है, यूनिट्स। अमाउंट या यूनिट्स? यूनिट्स करा। ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी, ब्रेक इवन के यूनिट्स निकालो। किस महीने के? वापिस आप पर टेबल बनाओ। सेल प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 10 रुपए, ब्रैकेट में पड़ा 2 kgs एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर केजी, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये जितने पर यूनिट कैलकुलेट हुए हैं, सेल प्राइस से लेके फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये पर यूनिट की वर्किंग हुई कैसे हुई? अमाउंट्स ली गई होंगी, डिवाइड बाय यूनिट्स कर दी गई। मसलन सेल प्राइस पर यूनिट गिवन तो है, अगर निकालनी पड़े तो कल निकाल लिया आपने। कैसे कैसे कैसे? टोटल सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का निकालना, डायरेक्ट मटेरियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, हर जगह हो सकता है। सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल दिए हुए, एडमिन एक्सपेंसेस फिक्स बताए हुए, प्रोडक्शन गुड यूनिट्स का मतलब, नहीं प्रोडक्शन फिनिश गुड्स है, गुड यूनिट्स का मतलब विद लॉस विदाउट लॉस, सही यूनिट्स, सही गुड यूनिट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री, नहीं बुरे यूनिट्स कौन से होंगे? नहीं सही है, जो खराब होंगे तो सही है, बात सही हो गई है, मजाक मजाक में ठीक होगी। अच्छे यूनिट्स, बुरे यूनिट्स कौन से होंगे जो लॉस होंगे? क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन, मटीरियल 100 और कन्वर्जन भी 100 है, एंड ऑफ इंस्पेक्शन। क्या ख्याल है, सब कुछ लग गया होगा? एंड इफेक्टिव यूनिट्स आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। 20% ऑफ व्हाट? अगर 100 यूनिट्स इंस्पेक्ट होंगे तो 20 डिफेक्टिव निकलेंगे। 100 यूनिट्स अगर इंस्पेक्ट, अच्छा इंस्पेक्ट का क्या मतलब, चेक होंगे, अगर 100 यूनिट्स चेक किए जा रहे होंगे तो ये एक्सपेक्टेड है, ये एस्टिमेटेड है कि 20 यूनिट्स डिफेक्टिव होंगे, बाकी 80 फिर क्या होंगे? गुड यूनिट्स होंगे। क्या ख्याल है? इंस्पेक्टेड, दोबारा वर्ड जहन में आया, इंस्पेक्टेड यूनिट्स में डिफेक्टिव और गुड दोनों होंगे, जो यूनिट्स इंस्पेक्ट होंगे उसमें कुछ डिफेक्टिव होंगे कुछ बाकी गुड होंगे। तो व्हाट इज 100 इंस्पेक्टेड यूनिट्स, व्हाट इज 20 डिफेक्टिव यूनिट्स, व्हाट इज 120, व्हाट इज 120, नथिंग। ये भी पता होना चाहिए, क्या इंस्पेक्टेड माइनस डिफेक्टिव इज इक्वल टू गुड्स, ये इंस्पेक्टेड प्लस डिफेक्टिव। 100 यूनिट्स इंस्पेक्ट किए, 20 डिफेक्टिव है, 120 गुड है, नहीं मतलब वही नथिंग भी सोचना ना। इंस्पेक्टेड माइनस डिफेक्टिव इज इक्वल टू गुड यूनिट्स, एक फॉर्मूला लिखें इसके लिए। इंस्पेक्टेड यूनिट्स शुड बी इक्वल टू गुड यूनिट्स, कब? इंस्पेक्टेड यूनिट्स शुड बी इक्वल टू गुड यूनिट्स की सिचुएशन में, इफ नो डिफेक्टिव यूनिट, इफ नो डिफेक्टिव, बट इफ देयर इज डिफेक्टिव यूनिट देन इंस्पेक्टेड यूनिट शुड बी मोर देन गुड यूनिट्स। एक मिनट सोचने पहले, क्या किसके बराबर की सिचुएशन में? इंस्पेक्टेड ही गुड होने चाहिए अगर लॉस नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टेड ज्यादा होंगे गुड से अगर लॉस है या कम होंगे? 100 यूनिट्स इंस्पेक्ट किए, गुड यूनिट्स 120 है, दिल तो बड़ा करेगा, लेकिन इंस्पेक्टेड माइनस डिफेक्टिव इज इक्वल टू गुड यूनिट्स। इसमें से क्या निकाल दें तो क्या बच जाएगा?
ये सर ये परसेंटेजेस कुछ दोबारा शुरू हो गई हैं, ये गेम बहुत सीरियस हो जाने है, तो कोशिश करना आज से शुरू करना। इंस्पेक्टेड यूनिट्स माइनस डिफेक्टिव यूनिट्स इज इक्वल टू गुड यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू दिस 20%, 20% का मतलब होता है 20/100। व्हाट इज 100? इंस्पेक्टेड यूनिट्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स? बट शुड बी गुड यूनिट्स 80। क्या ये नॉर्मल लॉस बता रहा है? दोबारा सेंटेंस पढ़ा। एस्टिमेटेड एट, एस्टिमेटेड एट, ये मैंने एक्सपेक्टेड यूनिट्स को 100 क्यों समझा? क्योंकि उसने बताया यार 20% ऑफ प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल, प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट, बेस बता रहा है ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। मैं थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करने लगा हूं। यहां तक समझ आ गए ये स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ आ गए? 100 माइनस 20 80 परसेंटेजेस में सेंटेंस बड़ा अगर हिस्सा हो जाता है ये डिफेक्टिव यूनिट्स आर, पढ़े जरा सेंटेंस पढ़ा। डिफेक्टिव यूनिट्स आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ गुड यूनिट्स। गलत तरफ ना कंडी चलिएगा। मैंने 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 सिंपली क्या चेंज किया है? बेस बदली है। क्या फार्मूला बदल जाएगा? इंस्पेक्टेड माइनस डिफेक्टिव इज इक्वल टू गुड, फार्मूला तो यही रहेगा। जिस तरह फार्मूला है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, अगर मार्कअप दिया हो तो कॉस्ट 100 हो जाएगी, मार्जिन दिया हो सेल 100 हो जाएगी। फार्मूला बदल जाएगा, सेल प्राइस कैसे बनेगी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। इंस्पेक्टेड माइनस डिफेक्टिव इज इक्वल टू गुड यूनिट्स, एक लॉजिकली सोचना ऐसे ही रहेगा। इंस्पेक्टेड में से क्या निकालेंगे तो क्या बचेगा? लेकिन अगर ये परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए बेस गुड यूनिट्स को रख लिया जाए तो 100 बताए फिर क्या हो जाएगा? 20% बोले, क्या बोला मैंने आगे? 20% ऑफ गुड यूनिट्स अगर उसने कहा होता तो मैं 100 कहां लिखता? 100 कहां लिखता? इफेक्टिव कहां लिखता? इफेक्टिव में। और बैलेंसिंग क्या निकाल लेता? 80। अरे 80, 100 माइनस 20 रिवर्स हो रहा है। अगर ये हो जाए फिर और क्या चाहिए? 80 में से 20 निकल भी जाए और 100 बच भी जाए। इन ख्वाहिशात को खत्म कैसे किया जा सकता है? रिवर्स हो रहा है। क्या 100 हो गया? 20 क्या रिवर्स हो रहा है सर? अभी माइनस होना है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स इज इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला 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 इंस्पेक्टेड यूनिट्स इज इक्वल टू गुड यूनिट्स प्लस डिफेक्टिव यूनिट्स। तो व्हाट शुड बी इंस्पेक्टेड यूनिट्स नाउ? अगर 100 गुड बचे हैं, 20 डिफेक्टिव भी हैं, तो इंस्पेक्ट फिर कितने हुए होंगे? 80 हुए होंगे। 100 या 120? आपने 100 क्यों लिखा? मैंने 120 कैसे लिख लिया? बेस बदल गई। आपकी बेस क्या? क्वेश्चन में रखी हुई है। अगर गुड यूनिट्स बेस हो जाती है तो परसेंटेजेस के मुताबिक परसेंटेज में बदल जाती। हमें कैसे पता चला दोबारा गुड यूनिट्स ऑन? अगर ऑफ गुड यूनिट्स हो जाएगा तो गुड यूनिट्स ऑन है। आपके क्वेश्चन के मुताबिक किसको बेस रखा हुआ? तो बेस 100 होती है। ऐसी है सर, जिस तरह घर में जब आपने क्वेश्चन किया है तो एग्जामिनर ने किसकी बेस पे लॉस की परसेंटेज बताई थी? ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स की। तो ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स को आपने मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करके नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया। तो इनपुट बेस होती है, आउटपुट कोई भी हो सकती है। इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं, इंस्पेक्टेड भी हो सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में किसका बेस रखा उसने? किसको बेस रख के किसकी परसेंटेज बता दी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वापस आ जाऊं तो 100 अगर यूनिट्स इंस्पेक्ट होंगे, माइनस 20 डिफेक्टिव होंगे, तो 80 शुड बी द गुड यूनिट्स। अगर आपको गुड यूनिट्स मिल गए तो क्या आप इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट कर लेंगे? या और अगर इंस्पेक्टेड मिल गए तो डिफेक्टिव भी आ जाएंगे और गुड भी आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दीज परसेंटेजेस। फिर बात समझ आ गई सर? सेंटेंस पूरा कर ले। पॉइंट नंबर वन, देन वी गेट द डिफेक्टिव यूनिट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप एट द रेट ऑफ, क्या ये
किसकी रिकवरी वैल्यू? डिफेक्टिव यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू, नॉर्मल की अब नॉर्मल की। नॉर्मल की अब नॉर्मल की, डिफेक्टिव की नॉर्मल हो या अब नॉर्मल हो। कोई सवाल अभी तक आपने ऐसा नहीं किया जिसमें नॉर्मल की रिकवरी वैल्यू और अब नॉर्मल की रिकवरी वैल्यू डिफरेंट दी हो। ये किसकी रिकवरी वैल्यू है? डिफेक्टिव की। अगर नॉर्मल होगा तो उसकी भी, और अगर अब नॉर्मल होगा तो उसकी भी। रोज जातो, कोई रोज नहीं बातें। पॉइंट नंबर टू, फिक्स कॉस्ट फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट कहीं ढूंढना है। 3.5 जेई में रखे जरा सेंटेंस पढ़ दें यार। आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गुड यूनिट्स कहीं ढूंढे, कोई बता सकता है ये 3.5 कैलकुलेट करके करते हुए उसने फॉर्मूला क्या बनाया है? फिक्स ओवरहेड्स तो ठीक है, बेस किसको रखा है उसने? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल कितनी आर डेटा है, कितनी इंफॉर्मेशन है? क्या 175 को अमाउंट की बेस में रख के 3.5 कैलकुलेट हुआ है? यार ये तो एक्स वाई टाइप बन गया यार। कौन सा एक्स वाई, कौन सा एक्स वाई? क्या क्या मिल गया, क्या मिल जाएगा? बेस मिल गई है, पर यूनिट मिल गया है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल लें प्लीज। ये छोटी सी वर्किंग नोट करें 3.5 के साथ। ये मैंने डिवाइडेड बाय 175 क्यों किए यार? ये तो गुड यूनिट्स है, उसने बताया है कि उसने किसको बेस रखा। बेस इज ऑफ गुड यूनिट्स, तो कितनी बेस रख के क्या आंसर आया था? 175 था यूनिट्स का बेस रख के, 3.5 आंसर आया था। देयरफॉर टोटल फिक्स ओवरहेड्स कितने होंगे? 612,500। बैलेंसिंग निकाला जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स क्लियर हो गए प्लीज। लास्ट सेंटेंस, सॉरी सेकंड लास्ट। एज कंपेयर टू द लास्ट मंथ, कौन सा लास्ट मंथ? फरवरी में हमें जनवरी। सेलिंग एक्सपेंसेस इन फरवरी हैज डिक्रीज्ड बाय, कहीं ढूंढे आपको फरवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। सेंटेंस दोबारा पढ़े। 295,000 ज़हन में रखे, 295,000 डिक्रीज्ड बाय हो चुके हैं, तो जाने दें यार। फरवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस 42,000 कम हो गए हैं, जनवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस बताएंगे अगर चाहिए हो तो। 2,95,000 माइनस 42,000, हम माइनस डिक्रीज्ड बाय यार, इस महीने के खर्चे कम हो गए हैं फरवरी के, कितने से कम हो गए, तो जनवरी में कितने होंगे? 315,000, 337,000 समथिंग, 337,000 समथिंग हो जाएगा। किस महीने के मुकाबले में, किस महीने की बात हो रही है? जनवरी के मुकाबले में फरवरी का खर्चा 42,000 कम हो गया है। फरवरी का आपके पास 295,000 अवेलेबल है, जनवरी अगर जरूरत पड़े तो वर्किंग हो सकती है। लास्ट लाइन, इन जनवरी 2013 एल प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 180,000 यूनिट्स, किस महीने में क्या हुआ? जितने बने थे उतने ही बेच दिए थे, देयरफॉर रिक्वायरमेंट में वो ना भी बताता तो फरवरी का ओपनिंग जीरो क्यों होना था? जनवरी में जितने बनाए वो सारे बिक गए, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जनवरी शुड बी जीरो, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फरवरी शुड आल्सो बी जीरो। रिक्वायरमेंट पढ़े, करना क्या है? ब्रेक इवन फाइंड आउट करना है, आए रजिस्टर करो इन क्वांटिटी। जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स साथ है, जी सर बिजनेस नेम, बिजनेस नेम
अल्टरनेटिव फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं? क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था मुश्किल होते चले जाने हैं, होने दें, हमारा काम क्या है, छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले जहन में रखें और अब वर्किंग करने की कोशिश करें। ब्रेक इवन यूनिट हमें चाहिए कौन से महीने में? फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फॉर्मूला बोले, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए होगी। ये ब्रेक इवन जो है हम फेब्रुअरी के स्टार्ट पे खड़े होके कैलकुलेट कर रहे होंगे या फेब्रुअरी के एंड पे, काउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पे या एंड पे? क्यों एंड पे कैलकुलेट करने का क्या फायदा? ब्रेक इवन होता क्या? कितने यूनिट्स कम से कम बेचेंगे तो लॉस खत्म होगा, ये शुरू में अंदाजा होना चाहिए या एंड में पता होना चाहिए? शुरू में पता होना चाहिए, अंदाजा होना चाहिए, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस उस महीने में चला सके। ठीक है जी सर, क्या क्या ढूंढना है? डाटा देखें, टोटल फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, क्या क्या आता है। अब ये बातें बार बार मुसलसल होनी है, मकसद इसका ये है कि सही तरह से चीजें जहन में सेट हो जाए। जी सर, टोटल फिक्स कॉस्ट शुड बी सम ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ये नीचे लाइनें छोड़ दें, तीन चार लाइनें छोड़ दें वर्किंग के लिए, फिक्स कॉस्ट का टोटल कैलकुलेट करो। जी सर, एनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल? एक तो शायद अभी आपने निकाल ली है। हाँ जी, फिक्स ओवरहेड्स कितने निकाले, कैसे निकाले, दोबारा वर्किंग लिख लें, फिगर बोल दें। 175,000, ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिए? हाँ जी, रेट दिया हुआ था, क्वांटिटी मिल गई है, फिक्स ओवरहेड्स की अमाउंट निकाल लें कितनी आई थी? 612,500। आगे बढ़े, और यार सेलिंग एक्सपेंसेस, यार सेलिंग एक्सपेंसेस कितने? तो फिक्स है यार, इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिक्स है। इंफॉर्मेशन है कहीं, कहाँ? यस सर है। पॉइंट नंबर 3, 4, पिछले महीने के भी आपने सेलिंग एक्सपेंसेस निकाले थे कितने कितने यार? 337,000 इस महीने के, तो 95,000 टोटल तो सेम नहीं है, तो फिक्स ही हुए फिर। फिक्स ही क्या इंडिकेशन है सर, टोटल सेम। अगर सपोज टोटल सेम होता, 100% फिक्स होता, और अगर टोटल सेम नहीं है फिर ये वेरिएबल होंगे। वेरिएबल की इंडिकेशन क्या है? हर यूनिट सेम अगर हो तो फिर वेरिएबल होंगे, तो चेक कर लेते हैं कैसे कैसे कंसिडरेट करें। फुल जनवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस बताएं कैसे कैसे। 2,95,000 जमा 42,000 इक्वल टू 337, लेकिन जज्बाती नहीं होना, लास्ट पॉइंट में जाएं। डिवाइड बाय सोल्ड होना चाहिए प्रोड्यूस, सोल्ड कितने हैं? वो प्रोडक्शन है, वही सेल भी है। आंसर बताएं, 1.87 समथिंग को जेन में मैंने रख लिया। आगे चलें, फरवरी में है, फरवरी के सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 295,000। फरवरी की प्रोडक्शन ढूंढने या सेल ढूंढने? सेल ढूंढ के बताएं फरवरी की। 145 कहां से आ गया, सवाल भी नहीं। फरवरी का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 0। प्रोडक्शन कितनी है? 175। बचे कितने हैं, बिके कितने होंगे, बिकेंगे कितने? 145 के बेस पे या 175 के बेस पे?
सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग यूनिट्स की बेस पे होना चाहिए। किसी को पता चल रहा है क्या वर्किंग हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है? चेक हो रहा है कि क्या ये सेलिंग खर्चा फिक्स है या वेरिएबल। फिक्स क्यों नहीं है, टोटल डिफरेंट है और डेटा इस वक्त मंथली अवेलेबल है और पर यूनिट तो सेम आ रहा है यार, वर्किंग की नहीं है तो आना कैसे है? कर ली है और पता चल गया क्या, पर यूनिट भी डिफरेंट है, अब क्या करें? हाई लो लगाए, सेमी वेरिएबल हो गया, कहाँ जाए? वर्किंग में आए, वर्किंग में आए, वर्किंग में। जर्नलिस्ट आप लोगों ने की वर्किंग? इन्वॉल्व रहा करें प्लीज। ये नीचे रेखा छोड़ना, अभी टोटल फिक्स कॉस्ट इकट्ठी होनी है तो उसके लिए चंद लाइनें छोड़ कर ये प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्किंग की आप लोगों ने? कोई है ऑनलाइन स्टूडेंट? यकीन माने आप ही हैं जी। सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे लगाते हैं हाई लोग? नहीं, इस डेटा पे अप्लाई करवाएं जरा, मैं क्या करूं? पहले कौन से महीने के कौन से यूनिट्स लो? जनवरी के सोल्ड यूनिट्स ले रहा हूं मैं। और जनवरी के पहले क्यों ले रहा हूं? ज्यादा है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। 1,80,000 यूनिट्स जब बिके थे तो सेल के अगेंस्ट एक्सपेंसेस हुए थे 337,000। सबको पता कैसे है ये फिगर? कैसे? 295,000 करंट मंथ के हैं और प्लस 42,000 हुआ है जो डिक्रीज हुआ था फरवरी में। लोएस्ट ईयर कौन सा बनेगा? हमारे वाला, सॉरी मंथ, 145 का पता कैसे आया? कैसे आया? 175,000 यूनिट्स बने थे, स्टॉक बचा हुआ है, ओपनिंग तो नहीं है लेकिन क्लोजिंग अवेलेबल है। सोल्ड यूनिट्स पे फोकस क्यों है मेरा? सेलिंग एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अगर होते तो यूनिट्स प्रोड्यूस को बेस बनाता। एक सेकंड, एमरल्ड देखें, कल वाली वर्किंग रजिस्टर करो। कल तो आपने एमरल्ड में फिक्स्ड ओवरहेड्स और सेलिंग एडमिन ओवरहेड्स में सेम यूनिट्स लिखवा दिए थे मुझे। देखें 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 देखें, पता है आपको? पता कल तो आपने सेलिंग की वर्किंग जैसे करवाई है वैसे ही फिक्स्ड ओवरहेड्स की वर्किंग करवा दी थी प्रोडक्शन के। रीजन रीजन सवाल देखें, एक सवाल पीछे देखें, वहां स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, देयरफॉर क्या किसके बराबर हो गया था? यहां भी जनवरी में तो प्रोडक्शन और सेल सेम है लेकिन फरवरी में स्टॉक बचा हुआ है इसलिए सोल्ड यूनिट्स अलग कैलकुलेट हो रहे हैं। आई होप कि कुछ सोचता है यार जी। 145,000 यूनिट्स के अगेंस्ट 295,000 सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है। फिगर समझ आ गई? बाकी स्टेप वाइज आप करते रहें, कंप्लीट करें। इससे सर जी मजा नहीं है अगर आप साथ साथ काम नहीं करेंगे। ये जो मैं होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा साथ साथ, इनका मैक्सिमम चांस है कि ये क्लोज टू 90% तक पहुंचने चाहिए और अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो फिर यूजलेस हो जाएगी बैच। बाद में अगर यही सवाल रहेगा वो कहां से आया, वो कहां से आया, तो मुझे भी यही कहना पड़ेगा वहीं से आया है और वहीं से आया है। कोई ऐसा सवाल हो जिसका पता भी चलेगा आपने पढ़ के को पूछा वो बता दें, वो बता दें। ये गेम बहुत ज्यादा ऑन है। आंसर बताइए, व्हाट इज 1.2 या पर आर या पर यूनिट? पर आर। वाई? यूनिट से डिवाइड की, एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में। अब क्या रह गए? स्पीड अप हो रहे, स्पीड अप हो रहे। फिक्स कॉस्ट कैसे कर दें? कर दें कर दें कर दें कर दें कर दें। टू वन सिक्स
शोस हो गए, बोलना नहीं बस आप। जी हमें इस वक्त इसमें से कौन से फिगर चाहिए? होगी बुकिंग यार, कौन सी फिक्स कॉस्ट आ गई? फिक्स सेलिंग। ये कुछ दिन कैंडी अपनी वॉल्यूम वन अपने पास ही रखना है इस वक्त, रहने तभी निकाले ना। वन टू वन मिल गया, देखिए नहीं डेटा का और फिक्स कॉस्ट। एडमिन के साथ फिक्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये ना भी लिखा हो तो कोई याद करवा सकता है कहाँ ये पढ़ा आपने? हाँ जी, पेज नंबर ढूंढे मार्जिनल अब्जॉर्प्शन में वॉल्यूम वन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिशें करनी, बार बार देख देख के याद हो जाए। एटीएफ ढूंढे, पेज नंबर मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मार्जिनल अब्जॉर्प्शन 156 156 के नीचे एक नोट पढ़े वॉल्यूम वन। ढूंढा करें प्लीज। ATF के नीचे नोट दो लिखे हुए, मेरे ख्याल आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड नोट शायद। पढ़े जरा क्या लिखा हुआ, एडमिन एक्सपेंसेस। अब सेलिंग का तो हमें पता चल गया था कि वेरिएशन है, लेकिन अगर ना पता चलता तो सेलिंग एडमिन फिर हम मजबूरन फिक्स ही अज्यूम करेंगे बाय डिफॉल्ट। आ जाए वापस, टोटल कर दें, टोटल कर दें यार। 834900 ये ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट का मीनिंग क्या है जी? टोटल फिक्स कॉस्ट करंट और नॉन करंट एसेट्स, यही मतलब होगा तो इतना मुश्किल था। अब नोट ना कहीं कर लीजिएगा, पॉइंट नोट। टोटल फिक्स कॉस्ट सम ऑफ नॉन प्रोडक्शन मींस सेलिंग एडमिन, तो फिक्स ओवरहेड्स आ गए, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ गए। ऊपर जाए फॉर्मूले में अपने फिगर लिखनी, क्या चीज मिल गई है? अब बेस में क्या आना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है बेस में, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आती है? चलिए कहनी यहाँ इकट्ठे हो रहे और फुल कंसंट्रेशन से अगली बहस सुनिएगा। सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रूम, वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट या नॉन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। जी सर, ये डाटा देखिए क्वेश्चन का, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है। क्वेश्चन का डाटा बहुत गौर से ध्यान से देखिए। सेल प्राइस पर यूनिट के 26, डायरेक्ट मटेरियल के 10। डायरेक्ट मटेरियल क्या चीज है? वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स, कैलकुलेटर पर लिखें 10 + 2 + 4 यहां तक इज इक्वल टू, एक मिनट दबाएं, सोच के सही पूरा नाम से सीन का बताएं। प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, क्या इसमें ओवरहेड्स आ गए? लेकिन क्या इसमें कोई चीज रह गई है? कौन सी? अपनी वर्किंग देखें, सेलिंग एक्सपेंसेस वाली। एडमिन में तो वेरिएबल नहीं थे, लेकिन 1.2 हमने सेलिंग में से एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट की थी। तो अगर 16 में 1.2 भी ऐड हो जाए तो 17.2 शायद यहां से वेरिएबल कॉस्ट बनती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल बनती है। ऐसे ही सर, लेकिन सर इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि नीचे आ रही है एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह, और पॉइंट नंबर वन, एक लॉस एक्सपेक्टेड है,
ढूंढे 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 फुल कंसंट्रेट, पुरानी बहसें सारी दोबारा आने लगी। लॉस एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल लॉस है, एस्टिमेटेड लॉस है, नॉर्मल लॉस है। सेंटेंस का स्टार्ट दोबारा करें, क्या इंस्पेक्शन एंड में हो रही है, क्या इस नॉर्मल लॉस पे खर्चा पूरा इनकर हुआ होगा, पूरा क्यों इनकर हुआ होगा, लेकिन इसको एलोकेट नहीं होना, इंकर होगा, पूरा हुआ होगा, बल्कि पूरा होगा, लेकिन एलोकेट किस पे होता है, नहीं नहीं अब नॉर्मल पे होता है, लेकिन क्या नॉर्मल लॉस का अगर कोई खर्चा हो वो किसी पे एलोकेट होता है, वो सर जान दे, वो सर इतना बड़ा यू नहीं सर, रिमेनिंग यूनिट्स पे एलोकेट होता है, क्या नॉर्मल लॉस पे खर्चा पूरा हुआ होगा, उसकी क्या वजह, इंस्पेक्शन एंड पे मटेरियल भी लगा होगा, लेबर ऑवरेड भी लग गए होंगे, लेकिन ये नॉर्मल लॉस का खर्चा नॉर्मल लॉस पे एलोकेट नहीं होगा, ये रेमेनिंग यूनिट्स पे एलोकेट होता है, रेमेनिंग यूनिट्स पे एलोकेट होता है। कैलकुलेटर जरा एक मिनट पकड़ा, हमारे पास इस स्टोरी में गुड यूनिट्स अवेलेबल है, कैलकुलेटर पे लिखे 1,75,000, क्या लिखा है आपने, जितना इन्वॉल्व हो सके उतना अच्छा है, ये गेम अब सीरियसली ऑन होने लगी है, व्हाट इज 1,75,000, आपके पास परसेंटेजेस अवेलेबल है, ये 80% के बराबर है, ये 100% के बराबर है, 100 क्या था इंस्पेक्टेड, गुड कितने थे, तो डिवाइड बाय 80 करें, मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 20 करूं तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, डिफेक्टिव आ जाएंगे, एक और एंगल से करें जीरो करके, 175 डिवाइड बाय 18 टू 100, ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वो टोटल होंगे, ये वो टोटल होंगे जिन पे खर्चा इंकर हुआ होगा, ये जो आपके पास टोटल आया क्या इनमें डिफेक्टिव भी है, तो ये जो टोटल है इस पे कॉस्ट इंकर हुई होगी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की, लेकिन डेफिनेटली इनमें जो फिर डिफेक्टिव यूनिट्स है उनकी कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में चली जाएगी, लेकिन एक और चीज भी ढूंढे पॉइंट नंबर वन के एंड पे, क्या डिफेक्टिव यूनिट्स की कोई रिकवरी वैल्यू भी है, रिकवरी वैल्यू का फिर क्या होता है, रिकवरी वैल्यू का क्या होता है, कॉस्ट से भी लेस हो जाएगी, नेट रिकवरी वैल्यू, रिकवरी वैल्यू नेट ऑफ करके नेट प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, वापिस ऊपर आए जरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले 10 लिया, 2 लिया, 4 लिया इज इक्वल टू 16 हो गए, लेकिन ये जो 16 पर यूनिट आ रहा है इसने इसलिए चेंज हो जाना, ये पर यूनिट तो ठीक है लेकिन इसने इसलिए चेंज हो जाना क्योंकि इस पर यूनिट ने नॉर्मल डिफेक्टिव यूनिट्स पे भी अप्लाई होना है, और फिर उनकी कॉस्ट जब रिमेनिंग यूनिट्स में आएगी तो पर यूनिट ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी और फिर रिकवरी वैल्यू से कम हो जाएगी, तो बारह तरह कंसंट्रेट रखते 10 + 2 + 4 = 16 बनता है, अगर ये 16 सिर्फ 1,75,000 से ही मल्टीप्लाई हो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही होगा, नहीं जो भी कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी, लेकिन अब ये जो 16 है ये मल्टीप्लाई होना किससे, क्या ये मल्टीप्लाइड बाय 216 समथिंग से होना, डिफेक्टिव मिला के जो लिखे ये वर्किंग तो कर ली कि नहीं यार, 175,000 डिवाइड बाय 1,800 क्या आंसर आता, 218,750, क्या आपके मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अमाउंट 218,750 यूनिट्स पे इंकर हुई होगी, लेकिन जब वो एलोकेट होगी तो डिवाइडेड बाय 218,750 यूनिट्स करेंगे या डिवाइड बाय सिर्फ 1,75,000 यूनिट्स करेंगे, नॉर्मल लॉस पे कॉस्ट इंकर नहीं होती एलोकेट नहीं होती, क्या मतलब इन वर्ड्स का क्या डिफरेंस, खर्चा लगेगा तो सही लेकिन उनपे जितना खर्चा लगेगा वो रिमेनिंग यूनिट्स पे डिवाइड हो जाए, तो 218,750 पे कॉस्ट इंकर हुई है लेकिन वो रह जाएगी 1,75,000 यूनिट्स की, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट सोचे सोचे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, बेस में कम यूनिट्स होने से ये कॉस्ट इंक्रीज होगी, लेकिन ऑब्वियसली फिर एक रिकवरी वैल्यू भी है उससे शायद ये डिक्रीज भी हो जाए, बट आई एम ट्राइंग टू से वर्किंग नंबर टू बना रहा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट से कुछ साथ दिया मेरा, एक हेडिंग लिखे टोटल वेरिएबल कॉस्ट,
यकीनन हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालनी है, लेकिन इनिशियली जरा एक छोटी सी वर्किंग कर लेना। मैं बोल रहा था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट स्टेप वाइज एक एक बात साथ साथ रहा, टोटल तक पहुंचना इंशाल्लाह, लेकिन कैसे? सबसे पहले क्या लूं? डायरेक्ट मटेरियल करवाए इधर वर्किंग कैसे करें? नहीं तो वो तो पर यूनिट है, मैं टोटल निकालना चाह रहा हूं। 1,75,000 या 218,750? Why 218,750? यार जो डिफेक्टिव यूनिट्स है उन पे खर्चा कैसे हुआ? कब एंड कब इंस्पेक्शन हुई है? 218,750 मल्टीप्लाइड बाय 10। यकीनन इकट्ठा किया जा सकता है, मैं जानबूझ के अलग लिखना चाह रहा हूँ। इकट्ठा मींस 16 सीधा मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। मटेरियल के साथ साथ लेबर ओवरहेड्स भी लगे, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन स्टेज को पीछे होती 60% फॉर एग्जाम्पल होती तो फिर अकॉर्डिंगली वर्किंग करते, अनलेस फिर मटेरियल अगर शुरू में लग रहा होता तो मटेरियल के पूरे यूनिट्स ले रहे होते, लेकिन कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके ले रहे होते। लेकिन मैं यहाँ बार बार सेम यूनिट्स क्यों लूंगा? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स एंड में इंस्पेक्शन हो रही है, लग गए होंगे। अगली वर्किंग करवाए एक मिनट का, अमाउंट छोड़ दे, अमाउंट आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाइड बाय टू, वेरिएबल ओवरहेड्स 218,750 मल्टीप्लाइड बाय 4। यहां तक फिगर सॉल्व करें, 218,750। नेक्स्ट वन 430,7,500 और लास्ट नेक्स्ट वन 87,875,000। यहां तक इकट्ठे हो जाए, मैंने अपनी डिस्कशन में कुछ चीजें अज्यूम की हैं जो मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि मेरी अजम्पशन गलत है कि आपको याद है। रिक्वायरमेंट के नीचे क्वेश्चन के नीचे चले जाएं, रिक्वायरमेंट के नीचे कुछ नोट लिखे हुए रिमेंबर दैट के नाम से, ये रिमेंबर दैट पर चार पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेरा ख्याल है इन्हें पढ़ लिया जाए। मिल गया कहाँ? पहला पढ़े, कॉस्ट इज किसको 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 याद, बट इफ इट हैज सम रिकवरी वैल्यू इट इज एडजस्टेड फ्रॉम नॉर्मल लॉस। की कॉस्ट से नेट अप करते हैं या प्रोडक्शन कॉस्ट नेट करते हैं? नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं? नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन सीवीपी एनालिसिस, ये ब्रेक इवन एनालिसिस हो रहा है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट और अ पीरियड कॉस्ट? सारी बहस में मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई हो रही है, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट समझना है या प्रोडक्ट कॉस्ट समझना है? वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या ब्रेकअप बताया जरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आते हैं, अगर अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग हो तो ओवरहेड्स में क्या आता है? फिक्स भी आता है, और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स आते हैं। तो अगर सीवीपी एनालिसिस ब्रेक इवन एनालिसिस की बात हो रही है तो मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट जहन में रहना चाहिए, विच मीन्स फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट समझें या प्रोडक्ट कॉस्ट समझें। क्लियर है? प्लीज सेकंड, थर्ड वन पढ़े। एबनॉर्मल लॉस को यकीनन कॉस्ट एलोकेट होती है, और अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट से नेट ऑफ होती है, और जो नेट खर्चा रह जाएगा लॉस का वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। पूरा सेंटेंस पढ़े और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट की एंट्री बताए। एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, रिकवरी वैल्यू की एंट्री बताएं, कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, और कॉस्ट और रिकवरी वैल्यू का नेट ऑफ फिर प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस है। इसकी बात हो रही है एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल मेरी तरफ देखते ट्रीटमेंट बताएं, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड, और उसकी अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट ऑफ होती है। प्रोसेस अकाउंट में बनाए, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। डेबिट साइड पे ढूंढे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होते हैं, और क्रेडिट साइड पे रिकवरी वैल्यू होती है, इसको नेट ऑफ करते हैं। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशंस डिफरेंट हो तो
तो फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट से कर देते हैं, अदरवाइज पूरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेस करके बहुत आगे बढ़ाते हैं। आगे चले लास्ट, अगर इंफॉर्मेशन ना हो कि लॉस कौन सा है, नॉर्मल या अबनॉर्मल, तो नॉर्मल लॉस बाय डिफॉल्ट अज्यूम करके आगे चलते हैं। फाइनल कर दें आपके सवाल में, नॉर्मल है या अबनॉर्मल, नॉर्मल है या अबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट करते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई रिकवरी वैली हो, प्रोडक्शन कॉस्ट नेट ऑफ करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में ब्रेक इवन एनालिसिस हो रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या 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 तो आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स तो आएंगे, लेकिन फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट इन दिस केस, वो पीरियड कॉस्ट के तौर पे आनी चाहिए। ठीक है सर, यहां तक जरा एक टोटल क्यों करवा रहा हूं आपसे, क्या छोड़ के ही करवा रहा हूं, नहीं क्यों, क्या छोड़ दिया मैंने, ना 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 अभी और मैंने फिक्स कॉस्ट छोड़ी दी, फिक्स कॉस्ट क्यों छोड़ दी है मैंने, वो प्रोडक्ट कॉस्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, टोटल करा दो 3.5 मिलियन का सही नाम पूरा बताना जरूरी है। टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये 218750 में क्यों ले रहा हूं, 1,75,000 यूनिट्स बने, गुड यूनिट्स, लेकिन गुड यूनिट्स की परसेंटेज 80% है। 100 से मल्टीप्लाई करके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे जिन्हें इंस्पेक्ट किया गया होगा। डिफेक्टिव यूनिट्स क्योंकि आइडेंटिफाई हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लाइन, इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन, तो डिफेक्टिव यूनिट्स पे भी पूरा मटीरियल लेबर ओवरहेड्स का खर्चा हो गया होगा डिफेक्टिव यूनिट्स आइडेंटिफाई करते वक्त। ठीक है, तो इसलिए 1,75,000 यूनिट्स पे सिर्फ कॉस्ट नहीं इंकर हुई होगी, 218750 यूनिट्स पे कॉस्ट इंकर हुई होगी। ठीक है, क्लियर, जी सर ये कैलकुलेटर दोबारा पकड़ा, 218750 लिखते हैं, मुसलसल इन्वॉल्व रहना कंपलसरी है मेडिया, इसको स्टेट में 16 से मल्टीप्लाई किया जा सकता था, 16 क्या था, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अभी तो 35 लाख आया है, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट आई है, ये 218750 यूनिट्स की कॉस्ट आई है, लेकिन एलोकेट कितने पे होगी, अगर रिकवरी वैल्यू ना हो तो 35 लिखें कैलकुलेटर पे, 35 लाख, 35 लाख कैलकुलेटर पे लिखें, डिवाइड बाय 175,000 करें, ये क्या आ गया, ये 20 क्या आया, पर यूनिट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ही आई है ये। अच्छा भला 16 रुपए पर यूनिट 20 रुपए पर यूनिट तक क्यों पहुंच गया, किसका खर्चा किस में एलोकेट हो गया, आई होप कि कुछ हजम है बाप, लेकिन डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन में भी कौन सा स्टेप रहता है, लेस करें रिकवरी वैल्यू। डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं, अब कैलकुलेट करने पड़ेंगे, डिफेक्टिव यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करो, डिफरेंस ले सकते हैं 20% ले सकते हैं, इंस्पेक्टेड कितने निकाले अभी हमने, 218750, 20% डिफेक्टिव है, गुड यूनिट्स में डिफरेंस लेना तो वो लेना है, 20% कर सकते हैं, 43750 डिफेक्टिव यूनिट्स, एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू कितनी है, 5 से मल्टीप्लाई करें, और एक शदीद खतरा आ गया है, अल्लाह करे कि सब पता चल गया, 43,750, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने डिफेक्टिव यूनिट्स की कर ली वर्किंग, मल्टीप्लाइड बाय 5 मिल गया कांडी, आंसर 218, ये 218750 क्या आया, इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए, इंस्पेक्टेड यूनिट आ गए, जस्ट बाई चांस से फिगर मैच कर गई है, ये है क्या, सोच के इसकी एंट्री बतानी है आपने अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, कैश या रिसीवेबल डेबिट, ना ना नो 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 नो
कहां से लेस कर रहे हैं यार, कमाल हो गए, कहां से लेस कर रहे हैं। दोबारा एंट्री, दोबारा एंट्री, दोबारा एंट्री, कैश का रिसीवर डेबिट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। प्रोसेस अकाउंटिंग ध्यान में लाए, मत डरे मत डरे, रिलैक्स है। प्रोसेस कॉस्टिंग ध्यान में लाए, कभी प्रोसेस अकाउंट बनाया हो, नॉर्मल लॉस किधर होता है, सोच के एंट्री बनाए, मत डरे, सोच के रिलैक्स हो गया। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट का मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट नेट होना है। फिर अगली एंट्री ध्यान में लाए, कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, नेट इफेक्ट ध्यान में लाए। दोबारा ट्राई करें, ऐसा ऐसा नॉर्मल लॉस की एंट्री बोले, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, नेट एंट्री बताएं। कैश डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड होती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो क्रेडिट हो जाएगी। यहां सीधा क्या लिखा नजर आ रहा है, कैश रिसीवेबल डेबिट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। फर्क क्या है, अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग होती तो प्रोडक्शन कॉस्ट में फिक्स ओवरहेड्स भी होते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग अगर है तो प्रोडक्शन कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। एंट्री जरूर अपने हाथ से लिखें, कभी एंट्री कोई हो जाती है, कभी कोई हो जाती है, हर चीज ऐसे नहीं है, रिलैक्स रहकर सोचें। कैश या रिसीवेबल डेबिट, सर कैश रिसीवेबल डेबिट, प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। दोबारा जेहन चलाएं, नहीं चल रहा। प्रोसेस अकाउंट अगर बना रहे हो तो पहली एंट्री दोबारा बताएं, नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, व्हाट इज द मीनिंग प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। डेबिट साइड पे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होंगे, क्रेडिट का मतलब इन्होंने नेट ऑफ हो जाना, फिर आप करते भी हैं माइनस करके। फिर नॉर्मल लॉस का लेजर जेहन में लाए, कभी बनाया, क्रेडिट साइड जेहन में लाए, वो कौन सी साइड होती है जहां कैश होता है, कैश वाली एंट्री बोले, कैश डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, बिल्कुल सही है। नॉर्मल लॉस कैंसिल हो जाएगा, नेट एंट्री ध्यान में लाए, कैश डेबिट, प्रोसेस अकाउंट की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ, क्योंकि इस अगर हम लेजर बना लिए, लेजर नहीं बना रहे। आई होप के हजम में बात, फाइनल आंसर बताए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आई मुझे, सॉरी, 328 1250, नाम बताएं सोच के। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया, नेट 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 वही है ये, लेकिन नेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। इट इज नेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी फाइनली यूनिट्स, 35 लाख कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी, कितने यूनिट्स की कॉस्ट थी, कितने की रह गई थी, और रिकवरी वैल्यू लेस होके फाइनली 328 1250 इज द टोटल नेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1,75,000 यूनिट्स। ठीक है सर, अब यहां से वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ सकती है, कैसे, हेडिंग लिखे, हेडिंग लिखे, वेरिएबल या नेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, नेट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आंसर बताइएगा जी, कैसे सॉल्व करें। 328 1250 डिवाइडेड बाय 175 मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू, अच्छा भला 16 रुपया पहले 20 पे क्यों गया और अब 20 से वापस 18.75 पे क्यों आ गया, 16 रुपया क्या था, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का टोटल 10, 2, 4, 16 से 20 पे क्यों गया, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स पे एलोकेट हो गए, 20 वापस बचा रहा 18.75 पे क्यों आ गए, रिकवरी वैल्यू लेस हो। मैं यहां रुक रहा हूं, 2 मिनट आपके पास है, जितनी वर्किंग हुई है काइंडली रिवाइज करें, कुछ अगर
क्वेश्चन जेन में आते हैं तो यहीं पर एड्रेस कर लें, फिर वाइंड अप कर लेते हैं। जॉइंट बाय प्रोडक्ट में ऐसे ही करते थे यार, वहीं से प्रोसेस कॉस्टिंग में गए थे यार। स्टेटमेंट, असल में यहाँ स्टेटमेंट बन रही है, वहां लेजर बन रहा था। लेजर फॉर्म में डेबिट क्रेडिट हो रहा था, स्टेटमेंट फॉर्म में सीधा लेस नजर आ रहा। प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने आपको कहा था जॉइंट बाय प्रोडक्ट में जाएं, आज मैंने आपको कहा है प्रोसेस कॉस्टिंग में जाएं। जॉइंट बाय प्रोडक्ट पुरानी होगी ना पॉलिसी, किस दिन आपको ने रिवाइज करनी है, आजकल बिजी हैं आप प्रोसेस कॉस्टिंग करते। कंपल्सरी है मेडिये, ये बातें याद आना कंपल्सरी है। पहले क्या किया फिर क्या किया, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ पहले कुछ और किया और आप कुछ और किया तो यकीनन बात सही नहीं। जी कैंडली आप रिवाइज करें सर, हमने देख के लिख तो लिया है, आप रिवाइज क्या करना है, फिगर्स ढूंढे कहां से कहां आई या लेसन्स। आप भी अच्छा भला सोना था, हम किस चक्कर में पड़ गए, क्यों पढ़ना पड़ा, अगर क्या ना होता तो बात खत्म हो जानी थी, अगर लॉस ना होता तो 16 रुपए पर यूनिट रहना, रिकवरी वैल्यू तो लॉस होता तो नहीं थी। क्यों ये पर यूनिट चेंज हुआ है, नॉर्मल लॉस की वजह से हुआ। एनी अदर कंफ्यूजन, चलिए वाइंड अप कर लें, जरा क्वेश्चन देखें रह क्या गया, नहीं फॉर्म जहां तक पहुंचे आंसर देखें, आंसर देखें निकालने क्या लगे था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए थी, ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल देते, टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई भी है, आ गई है सर। अब हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, हमें फाइनल वर्किंग करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जी स्टार्ट कहां से होती है, सेल प्राइस पर यूनिट होने थे। स्टूडेंट सुन लेंगे, सेल प्राइस पर यूनिट 26। ये बड़ा मेरे ख्याल चला, आवाज ठीक है यार, जरा प्री ज्वाइन करके देखें, आपको शायद पहले भी प्रॉब्लम आया था, अब ठीक है। ये 26 ओके बेटा, 26 ओके है सर। अब इसमें से क्या लेस करना है, सही वर्ड और फाइनल कर लें, नहीं वेरिएबल कॉस्ट वाले वर्ड्स लिखते, नहीं एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल में कॉस्ट में क्या क्या लेस होना है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट अब हमने फाइनली पर यूनिट कैलकुलेट कर ली है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट किसी को पता है कितनी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट 18.75, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुछ रहता नहीं गया इसमें, क्या रह गया, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट तो कैलकुलेट ही नहीं की गई हमने, वर्किंग वन में जाए कहीं या सेग्रीगेशन करे तो वहां होगी 1.2 मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस में ये ब्रेक इवन के जो क्वेश्चंस है, फिक्स कॉस्ट का हमें टोटल चाहिए होता है और वेरिएबल कॉस्ट का हमें पर यूनिट चाहिए होता है ताकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए। फाइनली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 6.05, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 6.05। ये ग्रॉस आ रही है नेट आ रही है, नेट आ रही ग्रॉस आ रही है, और नेट ही हमें चाहिए, ठीक है ये, ठीक है जी मिस्टर अब्दुल्ला। सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल नहीं लेना, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का पर यूनिट लेना कंट्रीब्यूशन की वर्किंग। नोट करें कैंडिडेट, वाइंड अप करें, कहां फिगर यूज होनी है, फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला कंप्लीट करें, कंप्लीट करें, आंसर निकालें। बड़ा अच्छा ही हो गया, लास्ट टाइम में से कभी किसी ने जवाब नहीं बताया, अभी बोर हो रहे होंगे, हमसे पूछता ही कोई नहीं।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाइंड अप करें आप लोग. 6.05 आंसर आएगा आपका. 138,000 क्या है जी? नहीं, किस चीज के यूनिट्स कंप्लीट करें. किस महीने कितने यूनिट्स बेच के हमारे ख्याल में ब्रेक इवन हो जाएगा? मान लें 38,000 यूनिट्स बेच के फरवरी में इस डेटा के मुताबिक ब्रेक इवन एक्सपेक्टेड है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बेटा बस बात यहीं तक खत्म हो गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अच्छी चीजें हैं बीच में, थोड़ा सा फर्दर एनालिसिस मेरे साथ और करें जरा. रेडी है सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस यही रिक्वायर्ड. अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ब्रेक इवन सेल्स भी बताए, तो मल्टीप्लाइड बाय जरा बताने क्या करते हैं? 26 रुपए करते थे सेल प्राइस पर यूनिट. आई होप के वो इशू नहीं है. अब थोड़ी देर पहले अभी जब आपने डाटा देखा साथ साथ रह गए, तो प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने इस डाटा में और स्टॉक कितना बच रहा है? दोबारा कैलकुलेट करें, डिफरेंस कितना? 145 क्या था? ये सोल्ड है. अभी आप 145 आंसर निकाल रहे हैं, ये है 138. वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, लॉस नहीं है. वो गुड यूनिट्स हैं, ये भी गुड यूनिट्स हैं. गुड, वो लॉस वाली बहस खत्म हो गई. रिकवरी वैल्यू मिला था, वो बात खत्म हो गई. ये 145,000 यूनिट्स भी गुड यूनिट्स की सेल है और ये 138 भी गुड यूनिट्स की सेल है. रिकवरी वैल्यू तो हमने एडजस्ट करके खत्म कर दी, तो अब वो इशू नहीं है. अब इशू ये है कि 138,000 बेच के हमारे अंदाजे के मुताबिक ब्रेक इवन होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंदाजा ये है कि हम फरवरी में 145,000 यूनिट्स बेच लेंगे. हमारे अंदाजे के मुताबिक हम 175,000 यूनिट्स गुड बना लेंगे, 30,000 स्टॉक में बच जाएंगे, 145,000 इंशाल्लाह बेच देंगे. ये 138 इतने बेच के इंशाल्लाह लॉस खत्म हो जाएगा. इतने बेच के लॉस खत्म होगा और वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स बिकते हैं. आपने मेरी एक छोटी सी वर्किंग करवानी है, एक नहीं मार्जिन सेफ्टी आप समझ गए, ठीक है. मैं एक साथ एक और भी वर्किंग करना चाह रहा हूँ. एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने मुझे फरवरी की बनवानी है, जरा इस डाटा के बेस पे. तो नहीं कर लेते हैं, लिख के कर लेते हैं, ये फिगर जरा सारी सामने आ जाए मेरी बात. बीच में एक दो और चीज़ें भी हैं जो मैं जरा रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ. एक हेडिंग लिखा जरा, क्या ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है? क्यों कर रहा हूँ? तो फिर क्यों कर रहा हूँ यार? ताकि मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने फर्दर रख सकूँ. आपने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मुझे बनवानी है. डेफिनेटली सारी स्टोरी में ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग से बननी है. लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हुए आपने एट बजटेड लेवल बनवाया. या चले वो भी छोड़े ब्रैकेट में, फॉर द मंथ ऑफ फरवरी बनवाए. February 2013 जो भी इस डेटा में इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन के मुताबिक, आपने उसकी बेस पर एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनवाया. किस महीने की वर्किंग करवाना है? फरवरी की. एक स्टार्ट करवा दे, मुझे आइडिया हो जाएगा आपको मेरी हेडिंग समझ आई है नहीं. सेल्स बताएं कैसे, सेल बताएं कितनी? 145. ओके, देखें मल्टीप्लाइड बाय 26, 3770000. नहीं, मेरी बात अब समझ आ गई क्या हो रही है. फरवरी में एक्चुअल रिजल्ट्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि क्या होंगे. लेस सारा मार्जिनल कॉस्टिंग से, वेरिएबल कॉस्टिंग से, ये जैसे समझ लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे? किस महीने का ओपनिंग स्टॉक नहीं है?
ओपनिंग स्टॉक वैसे चाहिए किसका? फिनिश गुड्स नहीं, जीरो फरवरी के स्टार्ट में नहीं, फिनिश गुड्स का जीरो, जितने बने थे जनवरी में लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फोर उतने ही बिक गए थे। प्लस क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे आएगी? मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस होंगे, और अगर वर्क इन प्रोसेसेस हो तो वो भी एड लेस होके ही फिगर आती है। हो चुका है, लेकिन अगर वर्क इन प्रोसेसेस ना हो तो शायद वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट की बात ही हो रही है। शायद ये वर्किंग ऑलरेडी हो गई है, टाइम अगर वेस्ट ना किया जाए तो अच्छा है, कहीं ढूंढने कहीं हो गई है 35 लाख, या शायद एक और स्टेप भी हो गया हुआ। फाइनली आपको वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट नजर आ रही है। फाइनली 35 लाख है या एक और एडजस्टमेंट भी है? फाइनली 3281250। कंफर्टेबल है लिखते हुए? डेफिनेटली। कैसे वर्किंग भी की जा सकती है, कैलकुलेटर पकड़े 1,75,000 लिखे कैलकुलेटर पर, 175,000 लिखवाया मैंने स्टेट में, मल्टीप्लाइड बाय 18.75 हो सकता है, वहीं से तो आया था। फाइनली कितनी गुड्स बनी है, सही कितनी बनी है 175, और फाइनली एक यूनिट को बनाने का खर्चा लिख दो ऐसे 175 इंटू 18.75। माइनस क्या करो, किन किन चीजों को अलग लिखने की बजाय, क्योंकि लिखा हुआ है अपने इकट्ठा लिख दिए, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स रिकवरी वैल्यू लेस हुई भी है, ऑलरेडी टाइम वेस्ट नहीं किया हम। जी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हैं, कैसे मेजर करूं 5480 एवरेज, कैसे वर्किंग करूं चले ये बता दें, 3281250 डिवाइडेड बाय 175 इंटू 30,000। वैसे रेट सीधा अवेलेबल नहीं था यार, कौन सा यार, तो पर यूनिट रेट अवेलेबल था, प्रोडक्शन कॉस्ट का पर यूनिट रेट अवेलेबल था। आंसर यार 562 500। जी ऑनलाइन सेल चल रहे था, जी कॉस्ट ऑफ सेल 2718750। एक दो दिन पहले की बात है, इस पे काफी मैंने बहस की थी, इस वर्ड पे कॉस्ट ऑफ सेल के वर्ड पे, कॉस्ट ऑफ सेल कितने यूनिट की है सोच के, और जाने दें यार 175 की है, 175 का खर्चा लिया, 30,000 का माइनस करके कितने यूनिट्स का खर्चा रह गया, और 145 ही का क्यों रह जाना चाहिए था, इतने ही बिके हैं, तो कितने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन यहां तक आएगी, सोल्ड की आएगी, प्रोड्यूस की आएगी, ग्रॉस आएगी, नेट आएगी, ग्रॉस आएगी, नेट आएगी, यार मैंने तो कहा था नेट आती है, फिलहाल मैंने वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेस की, तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इज 1051250। कितने यूनिट्स ने ये पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं देख लें, तसल्ली से देख लें, सेल कितने यूनिट्स की है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कितने यूनिट्स की है, तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 145,000 यूनिट्स की। आगे 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 बढ़े, नेक्स्ट वन क्या आना है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, सॉरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, या सिर्फ सेलिंग ही, सेलिंग ही है सर, सॉरी वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, कैसे वर्किंग करो,
175 sold units into 1.2 174,000. एट डबल सेवन टू फाइव जीरो का नाम कितने यूनिट्स की ये नेट कंट्रीब्यूशन आई बता तो दिए, एक दफा बता तो दिए, बार बार एक ही सवाल। फिक्स कॉस्ट या कहीं अवेलेबल है ढूंढने जरा, कौन सी लेनी है, प्रोडक्शन की नॉन प्रोडक्शन? और जाने दे तीनों एडमन सेलिंग लेदा हुई प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन किस किस नाम से लेदा आ रही है, सेलिंग एडमन टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढने 834900। प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? प्रॉफिट लॉस हमने तो ब्रेक इवन निकाला था, ब्रेक इवन कितने यूनिट्स पे है, ये कितने यूनिट्स पे डेटा बना है, 175 30 लेस होके खत्म हो गया है पूरी स्टेटमेंट 145 की बेस पे सेल से लेकर नेट प्रॉफिट पर। सोचो क्या 145,000 फाइनली बेच के ये प्रॉफिट हुआ, तो ब्रेक इवन कितने पे एक्सपेक्टेड था? फिक्स के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, फिक्स के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, दोनों ये फिक्स कॉस्ट साथ हो गई है। फिक्स के एक्सपेंसेस 834900 अब्दुल्ला जाने दे यार, अब्दुल्ला आपके सवाल जो है ना मुसलसल खतरनाक होते जा रहे हैं, एक क्लास के स्टार्ट से शुरू हुए थे, गेम आहिस्ता आहिस्ता खतरनाक हद तक बढ़ गई। आगे फिक्स ही तो लिखे हैं यार, ये जरिए अभी हमने फिगर तो लिख ली है, लेकिन इस फिगर को लिखा इसलिए ताकि हम यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट फाइनल कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अभी टाइम है जितना मैं चाहिए, कैलकुलेटर पकड़ लेना बेटा, थक जाओगे थोड़ा सा पॉज करने बातों में थक जाएंगे, या ग्लास का पानी का रख ले साथ, एक ग्लास बेटा पानी जरा दीजिएगा, लास्ट टाइम मेरे साथ बैठे स्टूडेंट्स, एक ग्लास पानी जरा इनको रखना, मैंने तो चेयर का गैप का कहा था लेकिन उन्होंने गैप खत्म करके ग्लास रखना प्रेफर करेंगे। अपने क्वेश्चन का डाटा देखने हमने बार बार कुछ फिगर्स सर्च करनी है आपने, एक यूनिट की नेट कंट्रीब्यूशन किसी को पता ढूंढिए कहा है? ये फिगर्स ढूंढेगी कहीं, जरा कैलकुलेटर पे लिखें, बताइए क्या फिगर 6.08 जरा कैलकुलेटर पे लिखें, 0.5 सॉरी ठहरे मल्टीप्लाई बताता हूं, इस साल इस महीने सॉरी कितने यूनिट्स हमने बेचे हैं, मल्टीप्लाई 145,000 करें, अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस निकालें, ये फिगर कहीं मैच हुई है, ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं, ओहो ये कोई ऐसी बात नहीं, वही वर्किंग हुई है, वो 145,000 से मल्टीप्लाई हो गया आ रहा था सारा, देखिए जरा ब्रैकेट देखें 26 जरा 145 क्या ख्याल है, 26 फिर नीचे जो है 2718750 क्या ये 145,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट नहीं है? कैलकुलेटर पकड़े जीरो करें, 145,000 लिखें मल्टीप्लाइड बाय 18.75 ढूंढे कहाँ है, क्या ये 18.75 इज इक्वल टू बताएं, ये भी कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है, उससे आगे जाएं वेरिएबल सेलिंग एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस
उसकी ब्रैकेट में 145 था। आपने 145 बार बार लिखने की बजाय एक ही दफा 145 को 26 से 18.75 से और 1.25 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 6.05 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 6.05 क्या था? एक यूनिट की नेट कंट्रीब्यूशन। और 1,45,000 यूनिट्स ने कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किए, कितने किए, कितने किए, उसमें से फिर क्या लेस हुआ? और 42,750 आपका नेट प्रॉफिट आ गया। कैलकुलेटर पे जीरो करें, 1,38,000 कैलकुलेटर पे लिखें। क्या ये 1,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.05 करें? ये मैंने क्या कैलकुलेट करवाया आपको? ब्रेक इवन लेवल पे ये नेट कंट्रीब्यूशन आई। ब्रेक इवन लेवल पे जो नेट कंट्रीब्यूशन है वो किसके बराबर आती है? ये फिक्स कॉस्ट आई है या ब्रेक इवन के यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आई है? कैलकुलेटर पे ब्रेक इवन यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन आई है और ब्रेक इवन पॉइंट पे यही कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। नेट प्रॉफिट कितना होगा ब्रेक इवन पॉइंट पे? अगर मैं यही स्टेटमेंट ब्रेक इवन पॉइंट पे सोचूं तो 1,38,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.05 आंसर आपका आया है 834 और 834900 के नीचे 834900 ही होना था। क्या फिक्स कॉस्ट भी तो चेंज होने जानी है वॉल्यूम के चेंज होने से, टोटल सेम रहना है। किस लेवल पे जीरो है और किस लेवल पे 42,350 है? 1,38,000 ब्रेक इवन लेवल पे प्रॉफिट जीरो है लेकिन 1,45,000 यूनिट्स पे प्रॉफिट 42,350 है। फाइनली एक और काम करें, कैलकुलेटर पे जीरो दबा लें, बोर्ड पे एक सेकंड देखें जरा। आप सोच सकते हैं या देखें कि कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बेचने से फाइनली ये प्रॉफिट हुआ है? 138,000 ने तो लॉस खत्म किया है। 1,45,000 यूनिट्स अगर बिक रहे हैं तो 7,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स की वजह से हम प्रॉफिट में आए हैं। यहाँ 7,000 यूनिट्स का जरा एक नाम सोच लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरा ज़हन में लाएं जरा। व्हाट इज वेटेड सेल? 145, ब्रेक इवन सेल। तो 7,000 यूनिट्स हमें प्रॉफिट में ले गए हैं। कैसे? कैलकुलेटर पे लिखें 7,000 मल्टीप्लाइड बाय करें 6.05। सही पहले आंसर का नाम बताना है। ये वो नहीं आया जो आप देख रहे हैं, ये वो नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हर किसी नहीं आया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट निकालने का तरीका रिवाइज करें, सवाल नंबर 2 पे चढ़े, सब कुछ छोड़ दें। ये कौन से तरीके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने, बल्कि रजिस्टर में लिखा हुआ आपने, रजिस्टर खोलना, रजिस्टर नहीं बेटा, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। मैंने 3 दफा वहां इसलिए बोला था कि मुझे पता था आपने आज ये पंगा लेना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट से अगर रुपीज में आना है, किसी को मिला तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस होनी है। सेल प्राइस पर यूनिट 10, 10, 10। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अगर आपने रुपए निकालने हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स 20,000 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। अगर आपने 7,000 यूनिट्स को मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 26 करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रुपए निकालने तो क्या तरीका है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। आपने 6.05 क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो जज्बाती हुए आप, 7,000 यूनिट्स का नाम तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है लेकिन 7,000 × 26 करवाता अगर मैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज आने थे। आपने क्या किया? दोबारा जीरो करते, पता नहीं क्या हो रहा था, दोबारा जीरो से शुरू करते। 7,000 क्या है? ठीक है, यहां तक मैं बिल्कुल एग्रीड हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स है। मल्टीप्लाइड बाय मैंने 6.05 करवाया। अब इसका नाम बताएं जो आंसर आया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है। वो 7,000 यूनिट्स जो हमने ब्रेक इवन से ज्यादा बेचे हैं ये उनकी कंट्रीब्यूशन है। अब बोर्ड पर देखें, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन अल्टीमेटली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई है? उनकी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी तो लेस होनी थी यार। फिक्स कॉस्ट कितने यूनिट्स ने खत्म कर दी थी?
138,000 यूनिट्स ने फिक्स कॉस्ट सारी कवर कर ली थी, 138,000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट सारी खत्म कैसे कर दी? दोबारा कैलकुलेटर पे जीरो करें, कितनी दफा जीरो दबाएं, एक दफा तो दबाएं, 138,000 होने, क्या जेन मिला है, ब्रेक इवन क्या, यूनिट्स इनटू 6.05, आंसर का नाम बोलें, ब्रेक इवन यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन क्या सारी फिक्स कॉस्ट को कवर कर देगी? तो कितने यूनिट फिक्स कॉस्ट को पूरा खत्म कर देंगे? ऐसे ही सर ढूंढने तरह के फिगर 877250 का सर्कल लगाया मैंने बोर्ड, ये क्या है, किसकी किसकी, 145,000 यूनिट्स की नेट कंट्रीब्यूशन है। क्या इसमें 145 में 138,000 है? सही है, उनकी कंट्रीब्यूशन ने खत्म किया है नीचे वाली फिक्स कॉस्ट को, जो एक्स्ट्रा यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है वो फिर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। पूरी बात क्या है, 7,000 लिखें इनटू 6.05, ये पूरी बात ये कि ये 7,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यही अमाउंट एज इट इज प्रॉफिट में कन्वर्ट क्यों हो गई है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सारी ब्रेक इवन यूनिट्स ने कवर कर दी थी। तो ब्रेक इवन से आप जितने यूनिट्स ज्यादा बेचेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। एक कंक्लूडिंग सेंटेंस, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने साथ दिया मेरा, ये प्रॉफिट की मैं बात करने लगा हूं, 342,350, दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ 7,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स, अब ब्रेक इवन, विच इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू बताएं जी आखिरी बस सेंटेंस एंड करो, दिस इज कंट्रीब्यूशन ऑफ 7,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स अबव ब्रेक इवन, लेकिन विच इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू 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 क्यों, बिकॉज बिकॉज फिक्स कॉस्ट वॉज fully covered by, या fixed cost is fully covered by contribution of break even units, because fixed cost is fully covered by contribution of break even units. Any confusion finally, sir?